महज कुछ दिनों में पैसे डबल के लालच में डूब गई मेहनत की कमाई। सैकड़ों लोग हुए ठगी का शिकार। कई करोड़ की चीटिंग का मामला आया सामने। मिली जानकारी के अनुसार एक महिला जो कई सालों से मीरा भाईंदर की रहवासी है, उसने कुछ लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर अच्छी आमदनी का झांसा देकर पहले कुछ लोगों से ऐप के माध्यम से पैसे इन्वेस्ट कराए, फिर उन्हीं लोगों को लालच देकर और भी लोगों को जोड़ने के लिए उत्साहित किया। मेरा नाम महेश चावड़ा है। हम लोग पुलिस चौकी में इसलिए आए कि मोनिका भौमिक नाम की जो एक लेडीज है वो मेरे दोनों बच्चों की स्कूल टीचर है, बराबर। तो मैं मेरे बच्चों को लेने छोड़ने वहाँ आता जाता रहता था, तो एक बार दो बार उसने मुझे वो कोई कंपनी का स्कीम दिखाया जिसमें आप पैसा डालोगे तो आपको समझो 15,000 डालोगे तो रोज का 600 मिलेगा, ऐसा ऐसा एक स्कीम बताया कि 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद आपका पैसा आपको वापस रिटर्न मिल जाएगा, फिर उसमें आप मेंबर बनाओगे तो ये बेनिफिट है, इतने मेंबर होगा तो सैलरी है, ऐसा कर करके मैंने पैसा डाला। तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पैसा, फिर वो प्रेशर डालने लगी कि मेंबर भी बनाओ सैलरी मिलेगा, तो मैंने अपने फैमिली और फ्रेंड में सबसे बात किया, तो धीरे धीरे इन्होंने भी पैसा डाला, फिर उन्होंने भी अपने फैमिली फ्रेंड को, ऐसा करते 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 हमारे अगर खाली मेरे ग्रुप का देखो ना तो सबका मिला के 200 से 300 लोगों का ग्रुप है, जिन्होंने किसी ने 1 लाख रुपया, किसी ने 5 लाख, किसी ने 2 लाख करके ऐसा अमाउंट 1.5, 2, 3, 4 करोड़ तक चला गया है। और अभी अचानक से फ्राइडे तक सब कुछ ठीक था, सैटरडे से एप्लीकेशन ही बंद हो गया, खाली पैसा ही ले रहे हैं, अभी और ही पैसा मांग रहे हैं, पैसा किसी का दे नहीं रही है। एप्लीकेशन का नाम है डेटामीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना, तो ग्रुप में मीरा भाईंदर और आजू बाजू के सब मिला के 750 मेंबर तक है। मेरा नाम पूनम पाटिल दलाल है और ये जो स्कैम है, जो ये बताया था मुझे डेटा DI उसका बताया था, उन्होंने बोला करके कि इसमें डालो रोबोट लो तो तुम्हें 3 times more मिलेगा। तो ये जो थी हमारी पहचान की थी जो 18 साल पुरानी, मैं उनको जानती, तो उन्होंने मुझे बोला था उमा जालन करके कि तुम इसमें डालो अच्छा है करके, तो मैंने उस भरोसे से डाला था। फिर बाद में ये अचानक से फ्राइडे को संडे को स्टॉप हो गया, विड्रॉल निकलना ही बंद हो गया मंडे से, तो अभी बोलते हैं कि थर्सडे को आएगा, आप मेंबरशिप ले लो, मेंबरशिप के लिए और पैसा डालो, तो कोई डालने के लिए तैयार नहीं क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, देंगे कि नहीं देंगे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, इसके लिए हम लोग कंप्लेंट डालते हैं इनके ना। मैंने स्कैन कोड से ही डाला हुआ है, अलग अलग डिफरेंट इस ऐप के अंदर है ना UPIs आते हैं, कुछ अमाउंट मैंने उमा जलन के अकाउंट में भी डाले और वो विड्रॉ वो कर देते, डिपॉजिट हमारा रिचार्ज वो कर देते। टोटल आपका कितना अमाउंट था? 4 लाख है। अच्छा, आपने ये जो पैसे इन्वेस्ट किए किसके थ्रू इन्वेस्ट किए थे, कौन है? ये हमारी पहचान की है उमा जलन करके, उनके थ्रू मैंने डाला। इसी तरह महज कुछ महीनों में ही इस ऐप के माध्यम से सैकड़ों लोग जुड़ गए और हजारों रुपए की इन्वेस्टमेंट लाखों में पहुंच गई। और जब लोगों को रिटर्न देने का समय आया तो ऐप चलाने वालों ने बहाना बनाना शुरू कर दिया। पैसे इन्वेस्ट करने वालों को समझ आ गया कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। उन्होंने नौघर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने इस स्कैम की पहली सूत्रधार मोनिका भौमिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये मैडम ने हम लोग को DA कंपनी के बारे में बताया था, मोनिका मैडम, उन्होंने बोला था कि ग्रुप बनाओ और आप ग्रुप बनाते जाओ और सामने वाले को कन्वेंस करो कि ग्रुप बनाते जाओ और जितना अमाउंट आ रहा है उसमें आपको भी सब मिलेगा और हमको भी मिलेगा, ऐसा बोल के उन्होंने हम लोग से पास एक ग्रुप बनवाया और हम लोग का नाना बोलते 14 लाख है अकाउंट है, वो उनका एक पेटीएम है, कोड है उनका, उसके ऊपर से हम लोग ने दिया है। दिव्या वाघेला है और मैं यहीं पे भाईंदर में नौघर रोड पे रहती हूँ। ये डेटामीर एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम डेटामीर है। इसमें मेरे मामा को मोनिका भौमिक का जो नाम है ना, उन्होंने उनको रेफरेंस किया था कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, टीम बनाइए, ऐसा वैसा प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, ये सब मामा को समझाया। मेरे मामा ने थोड़ा इन्वेस्ट किया तो उनको लगा कि हाँ चलो अच्छा ये सबको बताता हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे बताया था। फिर मोनिका मैम ने टीम ये मीटिंग भी रखा था, तो मीटिंग में भी हमको बुलाया, हम मीटिंग में एक ही बार गई हूँ, मीटिंग में भी बुलाया, तो मोनिका मैम ने एकदम बोलते हैं ना 100% गारंटी के साथ वो बोल रही थी कि हाँ हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदारी है, सब पैसा मिलेगा ऐसा वैसा। और अभी आज ऐसा पता चल रहा है कि जो विड्रॉल हमने डाला था ना वो सब पूरा अटक गया है, हमारे थ्रू जितने भी आए थे ना वो सबका भी पेमेंट अटक गया है। और अभी बोल रहे हैं कि आपको और मेंबरशिप के लिए 10,000, 29,000, 59,000 इतना पे करना पड़ेगा साल का, सब मेंबरशिप का प्लान। मेरा टोटल अमाउंट है ना 1,36,000 तक है और संपर्क में तो मैं मेरे मामा के थ्रू, महेश चावड़ा के थ्रू ही आई हूँ क्योंकि मेरे मामा को पहले वो मिली मोनिका,
फिर मेरे मामा ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा है, ये मैडम ने मुझे बताया है। मोनिका के ऊपर अभी जहाँ तक अभी मुझे जहाँ तक पता है ना, तो ये मितुल कलावाड़िया नाम है, वो है मोनिका के ऊपर। वो डीए मतलब डेटा मेट एप्लीकेशन है ना, उनके वो शेयर होल्डर है। पता है कि ये बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। पहले हमको बोलते हैं ना 2000-5000 दे के मतलब फंसा लिया, और अभी बहुत अच्छा खासा बड़ा वाला स्कैम कर दिया हम सबके साथ। अभी नहीं मानते मानते भी है ना, मेरे मामा के अंदर 400-500 लोग है, तो सब मेरे मामा से लेके सबके साथ फ्रॉड हो चुका है अभी। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं मोनिका बाउमिक है, उनके यहाँ पर मैं क्लासेस में टीचर था पहले। तो जब भी मैं टीचर था तभी वो बोल रही थी मुझे कि आप इन्वेस्ट करो, मेरा जो फाइनेंशियल क्राइसिस तभी चल रहा था। तो उन्होंने बोला था ये ऐप है ऐसा कि उधर आप इन्वेस्ट करोगे आपको मतलब उसका रिटर्न मिलेगा, डेली रिटर्न। और ये जो ऐप है वो एआई ट्रेडिंग करता है। अभी मैं कैसे, मुझे पता है कि एआई ट्रेडिंग से मतलब अच्छा खासा अमाउंट निकलता ही है, तो इसीलिए मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट रख के, और वो क्लासेस में भी थी, मेरे हेड भी थी, तो उनके ऊपर ट्रस्ट करके मैंने वहाँ पर मेरा अमाउंट इन्वेस्ट किया। पर पहले मैंने 1000 रुपये किया था। तो उसके बाद जब भी मैं आगे कर नहीं रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके 5000 तक का गारंटी जो है वो मैं ले लेती हूँ, 5000 तक तो रिकवरी कर लूँगी, और आपका जितना भी अमाउंट है वो मैं रिकवर कर लूँगी, तो आप अपने मेंबर को भी बोलिए। तो वैसे ही करके मैंने मेरा 5000 का भी इन्वेस्टमेंट किया, और उसके साथ मैंने दूसरे भी मेरे ये जो मेंबर्स है उनका भी मैंने साथ में इन्वेस्ट करवा दिया, अमाउंट आ जाए, इसलिए हमने मेंबरशिप भी ले लिया। 4500 का मेंबरशिप मैंने लिया। फिर उन्होंने जो मिथुन कलावाडिया जो हेड है, जिसने पूरा फ्रॉड रचा है, उसने हमें मैसेज करके ये भी बोला कि आपके साथ आप आपके बाकी के मेंबर का भी कर लो, उनका भी मैं अमाउंट दे दूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो दे ही दूंगा, मतलब जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उतना तो मिल ही जाएगा। उसी मतलब बोलते ना एक दिमाग में वही था, तो इसीलिए हम लोग ने मेंबरशिप लिया। ये मेरे इन्वेस्टर है और भी है 5-6, उन्होंने सबने इन्वेस्ट करके फिर उसके बाद हमें बोला था कि आज सुबह तक आ जाएगा। मेरा दोस्त है वो बेचारा इतना डिप्रेस हो गया है कि उसने मतलब रूम में लॉक करके रखा था 2 दिन, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको प्रेशर मतलब बोलते ना एक आ गया था उसके ऊपर, घर से पैसा लिया था उसने, तो वो सब चीज़ों के कारण अभी नहीं आया है। तो वो भी मतलब वो जब भी आया यहाँ पर, वो ये सब माहौल के कारण क्या हो गया कि हम लोग सब डर गए, और जिसके कारण हम पब्लिक से मदद मांग रहे, हम पुलिस से मदद मांग रहे कि हमारा पैसा एटलीस्ट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाए। बताया जाता है कि मोनिका पेशे से शिक्षक हैं, कई सालों से मीरा भाईंदर की रहवासी हैं। आरोपियों का एक और साथी है जिसके मुंबई के इलाके में छिपे होने की बात कही जा रही है, मितुल कलावाड़िया फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है। पीड़ितों की माने तो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मोनिका ने ही भरोसा दिलाया था, और पैसे का सारा ट्रांजेक्शन मितुल संभाल रहा था। मेरे हस्बैंड ने 3.5 लाख रुपए लगाए और मैंने 1 लाख रुपए लगाए, और मेरे मेंबर ने 1.5-2 लाख रुपए उन्होंने लगाए, मेरे 18 मेंबर हैं तो उन्होंने भी पैसा लगाया है। और मुझे बोला गया है कि मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेती हूँ, ऐसा करके बोला है। तो मैंने सिर्फ उन पर भरोसा किया, विश्वास किया कि नहीं, कंपनी वाले ने मुझे पैसा दे के रखा हुआ है और मैं गारंटी लेती हूँ, मेरे पास पैसा है, उन्होंने देखे रखा, अगर कंपनी बंद भी होती है तो मैं आपको रिटर्न देती आपका। हम कुणाल राउत नाम एक्चुअली के डीए करके है, जो मोनिका मैडम ने खोला हुआ है। इन्होंने हमको बताया था कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो तो आपको परचेसिंग में अच्छे रिवर्स मिलते हैं हर डील के, तो हमने किया। मैंने टोटल मेरे ग्रुप का करके देखा तो 14 लाख के आसपास है। एक ही कन्फर्मेशन है कि ये बंद नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, और उनकी गारंटी के ऊपर हमने बाद में ग्रुप बनाया, नहीं तो हम लोग ग्रुप बनाने थे, मैं खुद ज्वाइन ही नहीं होने वाला था। ये जब पता चला ये पता होने के बाद 2-3 महीने बाद मैंने ज्वाइन किया, वो भी इनके बाद एक बार इनके ऑफिस में गया था जहाँ पे वो क्लास चला गया, वहाँ पे मैंने मीटिंग अटेंड की। मैंने मीटिंग अटेंड करने के बाद मुझे उन्होंने बताया, मैंने बोला कि आप ये सिस्टम होता है, आप एक बार पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपको जो अथॉरिटी चाहिए, आपको जो चाहिए लिख के चाहिए तो लिख के देने को भी, वो टाइम पर तैयार था, लेकिन मैंने इतना इग्नोर किया उसको। बोला चलो एक लेडी बोल रही है तो ठीक है, अपन एक बार भरोसा देखते हैं, क्योंकि और भी मेरे फ्रेंड्स इसमें थे, और ये अभी बीच में भी एक मीटिंग हुई थी हमारी, तभी भी मैंने उनको बोला था कि ये ऐप में ऐसा ऐसा है, सब है, प्रॉब्लम बता रहा है कि अमेरिका की कंपनी बता रहा है, 2009 की कंपनी बता रहे हैं, और अभी यहाँ पे आई है और यहाँ पे इतना इनकम है, कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी ये बोल रहे थे कि मेरा ग्रेड बढ़ रहा है, आप करो, अब मुझे कार गिफ्ट मिलने वाली है, मैं आपको अजय रिवॉर्ड्स लाऊंगी दूंगी, और ये सब चीज़ हम बता के उन्होंने हमको किया। मैंने इनको बोला कि मैम देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐसा रिवॉर्ड्स बता के बंद तो नहीं हुआ, इन्होंने मुझे गारंटी दी थी कि नहीं होगा बंद। माझं नाव तुषार जोशी आहे, तर मी पण या डी एफमध्ये आता पैसे टाकलेले, तर माझे म्हणजे ॲक्च्युअल 14-12 आणि माझ्या वाईफचे 14 असे म्हणून पैसे सगळे गुंतवले, पण या मॅडम वगैरे, ह्या मुलगा मॅडम वगैरे
या सगळ्या म्हणजे सगळं आज म्हणजे कळलं की ग्रुप म्हणून रिमूव्ह वगैरे झाली, पण आमच्या पैशाचं काय तर आता यांच्या भरोशावर आम्ही गुंतवणूक केलेली. आमच्या इकडचे जे आहेत महेश भाई म्हणून आहे आमच्या इकडचे, तर त्यांचे त्यांच्या ओळखीने मी म्हणजे पैसे टाकले. आणि मुनिका यांचा ग्रुप होता तो यांचा, आणि केडियावाला म्हणून एक आहे बोलतात ते, तर केडियावाले पण त्याच्यामध्ये म्हणजे त्यांचे ग्रुप ॲडमिन आहे. मेरा नाम मनोज मेंढा आहे, मैं महेश का फ्रेंड हूँ. उसकी वजह से मैंने मेरे मेंबर के अंदर 10 से 15 लोगों को जोड़ा है. सबने 15,000 रुपया इन्वेस्ट किया है. अभी सडनली 4 दिन पहले ही जुड़े हैं, उन्होंने 1 रुपया भी विड्रॉल नहीं किया हुआ है. और टोटल अमाउंट मेरा 1.5 से 2 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ हुआ है पूरी टीम का. क्या हो गया, फ्रेंड सर्कल में अभी महेश जुड़ा हुआ था, तो महेश को स्कीम अच्छा लगा, उसने बोला है थोड़ा प्रॉफिट वाला, वो हिसाब से हम सब ने उसमें इन्वेस्ट किया. मेरा नाम योगेश रमेश बोरीचा है. ये अपना ऐप था डेटा मिल ऐप करके है. इसमें मतलब हम मैंने डाला था 27,000 रुपया टोटल मिला के. उन्होंने बोला कि आएगा अभी तो, कल बोला था कि करो परसों आ जाएगा ऐसा बोला, लेकिन अभी तक कुछ आया नहीं. कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी ये चीटिंग का मामला 200 करोड़ का भी हो सकता है. मुझे बहुत दुख है कि उनके पैसे आज इस तरह से चीट में उनके साथ चीट हुआ और वो गए. लेकिन मैं इस उदाहरण से लोगों को एटलीस्ट अवेयर करना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी स्कीम आती है कि अब ये स्कीम में 8 दिन में पैसे डबल, तो दुनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं होती है जो आपको 8 दिन में डबल करके देंगे. नहीं तो कोई अपने बिजनेस करे ही ना, नौकरी जाए ही ना, सब ऐसी स्कीमों में ही पैसे लेके डबल हो जाते हैं. करती हूँ लोगों से, आज जो लोगों के पैसे गए मुझे बहुत दुख है. मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी रिकवर हो सके उतना कराऊँ, लेकिन आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसी कोई भी बातों में ना आए. दुनिया का कोई आदमी आपको 8-10 दिन में क्या 2-4 साल में भी डबल करके नहीं दे सकता. इस बात का आप लोग संज्ञान लीजिए, लालच में मत आइए और इस तरह से गलत अफवाहों में एडवर्टाइज में बिल्कुल ना फंसे. उम्मीद करते हैं नौघर पुलिस मामले की बड़ी गंभीरता से जांच करेगी और शिकायतकर्ताओं को न्याय देने का काम करेगी.